गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई कीर्ति वेलकम यू ऑल इन BBVN ऑनलाइन क्लासेस. सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर सेकेंड, दैट इज डिफरेंट बट स्पेशल. सो आवर टूडेज टॉपिक इज ग्रोइंग अप डिफरेंटली. हम सभी एक ही घर में रहते हैं, हम सभी बहन भाई एक जैसी बॉडी होती है हमारी, है ना, बट कुछ चेंजेस हमें फिर भी दिखाई देते हैं. हम सभी का अलग अलग हाइट होता है, अलग अलग वेट होता है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा डिफरेंट करती हैं. ऑल ऑफ यू स्टडिंग इन द सेम क्लास, मे बी ऑफ सिमिलर एज. आप जो क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हो, आप एक ही क्लास में हो, मे बी आप में से कुछ की एज भी सेम होगी, बट डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम हाइट और वेट? बट क्या आप सभी की सेम हाइट और वेट हैं? नो. आप सभी की, आप में से कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, कुछ काफ़ी गोलू मोलू से हैं, है ना. तो लुक अराउंड योर क्लास टू फाइंड आउट. तो अभी आप अपनी क्लास में नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर पे अपने कजिन्स, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आप उनमें देखिए. आप सभी बहन भाई काफ़ी अलग अलग दिखाई दोगे, लेकिन आप हो तो सारे बहन भाई. सम ऑफ यू आर टॉलर देन अदर्स. आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बाकी की कंपेयर में थोड़े ज़्यादा टॉलर होंगे, लंबे होंगे. सम मे बी सिमिलर देन द रेस्ट. अ फ्यू मे बी वियरिंग स्पेक्टेकल्स. सम मे हैव स्ट्रेट हेयर वाइल सम मे हैव कर्ली हेयर्स. आप में से कुछ के जो हेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेट होंगे, एंड कुछ बच्चों के हेयर्स काफ़ी कर्ली हेयर्स होंगे. क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स. सो स्टूडेंट्स, अपनी आइज क्लोज करो और अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचिए. होम डू यू रिसेंबल द मोस्ट? यू मे हैव आइज लाइक योर मदर, एंड यू मे बी टॉल लाइक योर फादर. यू सिस्टर ऑन द अदर हैंड मे बी शॉर्ट लाइक योर मदर. इवन विद इन वन फैमिली सिबलिंग्स मे बी वेरी डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस. अपनी आइज क्लोज करके आप इमेजिन करो कि आपकी जो शक्ल है वो किस में मिलती है, आपकी मम्मा में या फिर आपके पापा में. मे बी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे गए हो, है ना, तो आपकी आइज़ आपकी मम्मा जैसी होगी, आपकी हाइट आपके पापा जैसी होगी, आपके लाइक डिसलाइक्स मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स पे गए हो, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अलग अलग तरीके से ग्रो डिफरेंटली करवाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द डिफरेंटली एबल्ड. ऑल ऑफ अस लव टू सी अ गार्डन विद वेरिड कलर फ्लावर्स. हम सभी एक गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं. सिमिलरली वी लव लिसनिंग टू गुड म्यूजिक एंड हमिंग आवर फेवरेट सॉन्ग. हाउएवर सम पीपल माइट नॉट हैव द एबिलिटी टू सी हियर और स्पीक. कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनमें से कुछ को दिखाई नहीं देता है, कुछ सुन नहीं सकते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं. इंस्टेड दे मे हैव अ बेटर सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट. जबकि उनमें जो सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है. विच हेल्प्स देम टू लीड देयर लीव्स एज नॉर्मली एज पॉसिबल. जो कि उनके रहन सहन को थोड़ा नॉर्मल बनाता है, थोड़ा कंफर्टेबल बनाता है. सच पीपल आर नोन एज डिफरेंटली एबल्ड. और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? डिफरेंटली एबल्ड पीपल. जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, जो सुन नहीं पाते हैं और जो खा नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपल. लेकिन इनमें जो सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो काफ़ी बेटर होता है. पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक यूज द साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. जो लोग सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ में लेते हैं? साइन लैंग्वेज यूज़ में लेते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. दिस साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स फॉर कम्युनिकेशन. एंड ये जो साइन लैंग्वेज होती हैं इसमें हैंड्स और फिंगर्स का मूवमेंट चलता है कम्युनिकेशन के लिए, जिससे जो ये लोग आपस में एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं.
सो ये थी साइन लैंग्वेज जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं और जो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. इमेजिन दैट यू आर इन योर रूम एंड सडनली द लाइट्स गो ऑफ एंड यू फाइंड योर सेल्फ इन टोटल डार्कनेस. वॉट विल यू डू देन? अगर आप एक रूम में हैं एंड लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, राइट? तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? यू विल प्रॉबली ट्राई टू फील योर सराउंडिंग विद योर हैंड्स एंड रीच अ सेफ प्लेस. आप फिर उस अंधेरे में अपने हाथों के टच से धीरे धीरे अपना रास्ता फाइंड करते हुए उस सेफ प्लेस पे जाएंगे जहां आपको कंफर्ट फील हो सके, जहां आपको उस अंधेरे से निकलना का रास्ता दिखाई दे सके. द पीपल हु कैन नॉट सी यूज देयर सेंस ऑफ टच एंड स्मेल टू रिकग्नाइज पीपल. जो लोग देख नहीं पाते हैं वो अपने सेंस ऑफ टच और स्मेल से लोगों को पहचानने की कोशिश करते हैं. दे आर एबल टू रीड यूजिंग ब्रेले. और वो इस चीज़ के लिए किसको यूज़ में लेते हैं? ब्रेले. एक स्क्रिप्ट होती है जिसकी हेल्प से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझा पाते हैं. विच हैज़ 6 रेज डॉट्स अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड इवन म्यूजिकल नोट्स. जो ब्रेले स्क्रिप्ट होती हैं वो बहुत ही स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज की गई होती हैं. जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वो अपने फिंगर पॉइंट्स की हेल्प से जो ब्रेले स्क्रिप्ट पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर और जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो एक पैटर्न में बने होते हैं, जिनको टच करके जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उन अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को पहचान कर रीडिंग करते हैं. Nowadays people have the option to use many braille enabled products such as books, computers, phones, clocks and musical instruments. अब braille के रूप में काफ़ी सारे ऐसे products आ गए हैं, जैसे braille book आ गई है, कुछ computers, phone, clocks, musical instrument ऐसे हो गए हैं जिनको blind people अपने easy way में read कर पाते हैं. Some people may not have an arm off or a leg. They have their own special way of handling their daily activities. They require special facilities such as wheelchairs and ramps to facilitate movement. जिन लोगों के arms नहीं होती है, हाथ नहीं होते हैं, उनमें एक special ability होती है किसी भी चीज़ को handle करने के लिए. अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो किस तरीके से इजी वे में हैंडल करते हैं, ये उनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है, ठीक है. अब उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ होती है, जैसे व्हील चेयर्स होते हैं, ये सब उन्हें चाहिए होते हैं जिससे वो मूवमेंट कर सकें. सो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंटली एबल पीपल, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है या जो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं, किन चीज़ों को हेल्प लेकर वो अपनी लाइफ को जीते हैं. ओके, सो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है. नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे. आई होप आपको उनका आंसर्स पता होगा बिकॉज आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यस, ब्लाइंड पीपल. जो लोग देख नहीं पाते हैं, पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल. नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है, पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड, जो लोग बोल नहीं पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? म्यूट पीपल. जो लोग बोल नहीं पाते हैं उन्हें कहते हैं म्यूट. आपने टीवी में या भी देखा होगा, या फिर आप कोई भी स्पीकर, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, जब आप रिमोट से म्यूट ऑप्शन चूज़ करते हो तो जो वॉइस है वो गायब हो जाती है, है ना. तो जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है, वो बोल ही नहीं पाते हैं, तो उन पीपल को क्या कहते हैं? म्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उन्हें हम क्या कहते हैं? यस, योर राइट आंसर इज डेफ पीपल. जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उन्हें हम कहते हैं डेफ पीपल. नाउ हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल? सम पीपल हु कैन नॉट सी, हियर एंड स्पीक आर कॉल्ड
डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल हु नीड्स एक्स्ट्रा लव एंड एक्स्ट्रा केयर. सो यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स. आपको ये जितने भी स्पेशल पीपल होते हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, आपको उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनके साथ में रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए और उन्हें एक्स्ट्रा जो लव एंड केयर होती है वो देनी चाहिए, बिकॉज वो हमसे अलग हैं. आज जो चीज़ आप इजी वे में कर पाते हो, आप बोल पाते हो, आप खा पाते हो, आपको जब भी कुछ चाहिए होता है आप इजी वे में अपनी मम्मा से बोल पाते हो, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर कुछ चाहिए होता है तो वो ना बोल पाते हैं ना वो देख पाते हैं. ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ में एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा लव के साथ में रहना चाहिए. सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, बाय बाय.